बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी, मज़े से होंगी, अपने अपने घर में खुश होंगी। अल्लाह पाक आपको साद और आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम करती हूँ मैं टेस्टी डबल फूड किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी का मीठा। आइए, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक चम्मच मैंने घी लिया है, घी को अच्छी तरह से पिघलने देंगे, फिर हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। हाफ कटोरी सूजी है, मैं सूजी ऐड कर देती हूँ इसमें। सूजी को अच्छी तरह से भुनेंगे। सूजी का कलर चेंज हो जाए जब तक भूनेंगे। चूल्हे की आँच हम लो रखेंगे, लो आँच पर हम भूनेंगे सूजी को। दो चम्मच भर के डेसिकेटेड कोकोनट है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। ज़रूरत के मुताबिक चीनी ऐड करेंगे, जितना आप मीठा खा सको। मेरे घर में कम मीठा खवाता है, इसके लिए मैं ज़रूरत के मुताबिक ऐड करूँगी। 1/2 kg खोया है, वो ऐड करूँगी मैं इसमें। 1 चम्मच फूल भर के मैं इसमें मैदे का आटा ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से सूजी के साथ में ही भूनेंगे, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैदे का आटा डालने से बहुत अच्छी सूजी का मीठा बनता है। सूजी की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे हम। बहुत टेस्टी हलवा बनता है ये। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे टेस्टी डबल फूड चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना ताकि नई नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। सूजी ने कलर चेंज कर दिया, अब हम इसमें 4 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे। हम इसमें 1 चम्मच खोया भी ऐड कर देंगे, 2 चम्मच के ऐड कर देंगे, बाकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। 1 चम्मच खोपरा ऐड करेंगे। सूजी हमारी भून चुकी है, हम इसमें 1/2 kg पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब हम इसमें थोड़ा सा बचा हुआ पानी वो भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गैस का चूल्हा हम थोड़ा हाई करेंगे। अच्छी तरह से पकने, हमने इसमें थोड़ा ग्रीन कलर ऐड किया है। बहुत टेस्टी हलवा बनता ही है इंशाल्लाह। एक बार बनाकर ज़रूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे ताकि ये कढ़ाई ना छोड़ दे जब तक हम इसे भूनते रहेंगे। अब इसमें थोड़ी किशमिश ऐड करेंगे, 10 से 15 किशमिश ऐड की मैंने इसमें। चूल्हे की फ्लेम मैंने लो रखी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूंगी।
तो सूजी का मीठा बनकर तैयार है। चलिए तो हमारा मीठा बनकर तैयार है, अब हम इसमें इसको मैं डिश आउट करती हूँ। चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ, इसे डिश आउट करती हूँ। चलिए तो फिर मैंने डिश आउट कर लिया है मैं सूजी का मीठा। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना टेस्टी डबल फूड को। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक देना। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।